महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन में सिद्धवट के पास कंथडेश्वर महादेव 84 महादेवों में 34वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार झेलम के तट पर पांडव नाम का एक दरिद्री ब्राह्मण रहता था। दरिद्रता के कारण उसके बंधुओं एवं पत्नी ने उसे त्याग दिया था। उसके पास केवल एक कंठा बची थी। उसने पुत्र की कामना से भगवान शिव की पूजा की। शिवजी की पूजा से उसे उस कंथा से एक अयोनिज पुत्र प्राप्त हुआ। उस ब्राह्मण ने 6वें वर्ष उस बालक को यज्ञोपवीत कर दिया। वहां कई ऋषि उपस्थित थे, उनसे निवेदन किया कि मेरे पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। तब सब मुनि चकित हो गए। उस कंथा से उत्पन्न पुत्र की आयु क्षीण थी। तब उस ब्रह्मचारी बालक ने यह जानकर प्रतिज्ञा की कि वह तपस्या कर यमराज को भी जीत लेगा। वह भगवान शंकर की उपासना कर अपने पिता की निराशा को दूर करेगा। उसने महाकाल वन में जाकर आनंदेश्वर के दक्षिण में स्थित लिंग की उपासना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। उस बालक ने शिवजी से प्रार्थना की कि जो पापी आपकी उपासना करे उनको दीर्घायु प्रदान करें। उसने भगवान से पुनः प्रार्थना की कि आपका यह लिंग मेरे नाम से कंथडेश्वर कहलाए। कंथडेश्वर के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।